कृष्णा पंडित को और उसकी परफॉर्मेंस को आपने पसंद तो किया ही, बल्कि अपनी फैमिली का एक हिस्सा मान लिया है, वो मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। और ये बोलते हुए थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम एज एन एक्टर चाहते हैं कि हर चीज़ से अवेयर रहें ताकि हम लोगों के साथ चल सकें, उसको प्रेजेंट कर सकें अच्छे से, लेकिन इतनी बड़ी बात हमारे सामने कभी आई ही नहीं। ये फिल्म मेरे लिए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से टफ रही, क्योंकि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। 1990 में वो जो इतना दुखद घटना घटी जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे, वो मुझे लोगों को और लोगों तक पहुंचाना था। लोग तो सिर्फ 3 घंटे की फिल्म देखकर इतना इमोशनल हो रहे हैं, 3 मिनट का वीडियो या ट्रेलर देखकर इतना वो इमोशनल हो गया, तो मैं तो वो हर रोज जी रहा था। पहले तो हेलो एंड वेलकम टू एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज़। आज हमारे साथ है कृष्णा पंडित, AKA दर्शन कुमार। नहीं, बट दर्शन जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। जब हमने ट्रेलर देखा था ना मूवी का, लोग थिएटर एंटर किए थे स्टोरी देखने के लिए और अनुपम जी की स्पेशली एक्टिंग देखने के लिए, लेकिन वो बाहर निकले कृष्णा पंडित के फैन बन के। तो ये जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस का, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं 9th क्लाउड पर हूँ, क्योंकि आप लोगों को इतना प्यार मिला। कृष्णा पंडित को और उसकी परफॉर्मेंस को आपने पसंद तो किया ही, बल्कि अपनी फैमिली का एक हिस्सा मान लिया है, वो मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। और एक नैरेटिव जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है कि कृष्णा पंडित कृष्ण भगवान की तरह हैं, जो कौरवों की बात भी सुन रहे हैं और पांडवों की बात भी सुन रहे हैं और क्लाइमेक्स में सच सामने रख देते हैं, और आप लोग अर्जुन हैं, तो आपने अर्जुन की तरह ही धनुष उठाकर सीधा लक्ष्य को भेदा और हमारी फिल्म को इतना सुपर डुपर हिट बना दिया। आज वो हिस्ट्री में लिखी जा रही है। सो कृतज्ञ हूँ आपके एहसान का इतना प्यार देने के लिए, और हमेशा रहूँगा। दर्शन, ये जो जुल्म कश्मीरी पंडितों पे हुआ है, हमने आज तक ऊपर से पढ़ा कि अरे कश्मीर में सिचुएशन सही नहीं है, पर उसके इनसाइट्स कभी इतने क्लियरली नहीं मिले जितने क्लियरली ये मूवी के थ्रू मिल रहे हैं। आपको इस स्टोरी के बारे में पहले से कुछ पता था? जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पता था मुझे इसके बारे में। और ये बोलते हुए थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम एज एन एक्टर चाहते हैं कि हर चीज़ से अवेयर रहें ताकि हम लोगों के साथ चल सकें, उसको प्रेजेंट कर सकें अच्छे से, लेकिन इतनी बड़ी बात हमारे सामने कभी आई ही नहीं। मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग पल्लवी जी के साथ और विवेक जी के साथ, जब उन्होंने मुझे कुछ आधे एक घंटे के वीडियोस दिखाए जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर 700 से भी ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं, फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स जो हैं, उनके साथ मिलकर उन पर क्या बीती थी, उनके माँ बाप पर क्या बीती थी, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ, उनकी बहनों के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, वो सब सुनकर मैं नम रह गया था, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे। और फिर विवेक जी ने कहा कि हम आपको इस फिल्म में एज ए लीड, एज ए हीरो कास्ट करना चाहते हैं कृष्णा पंडित के कैरेक्टर में, तो आप ये स्क्रिप्ट ले लीजिए, मैं समझ सकता हूँ अभी आप बोलने की क्षमता में नहीं है, तो आप स्क्रिप्ट को पढ़िए और बताइए कि आप ये फिल्म करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। और जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, जो जो मैंने उन लोगों के मुँह से सुना था, उनकी व्यथा, उन पर क्या बीतता, वो सब एक एक चीज़ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, मुझे लगा ये सच सबके सामने आना चाहिए। और मैंने कोशिश की और मेहनत की कि सच्चाई सामने आए, और अब लोग जुड़ गए हैं, लोगों ने उनकी फाइट को अपनी फाइट बना लिया है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। दर्शन जी, अभी आपने विवेक जी और पल्लवी जी की रिसर्च को लेके बात कही, लेकिन एज एन एक्टर जब आप एक रियल लाइफ इंसिडेंट का कैरेक्टर प्ले करते हैं, एज एन एक्टर आपके पार्ट पे क्या था रिसर्च प्रोसेस को लेकर? जैसे आप जानती हैं, मैं कृष्णा पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, एक कॉलेज स्टूडेंट जो बहुत ही कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, एक सच की तलाश में है, क्योंकि ये कहानी कृष्णा पंडित और उसकी फैमिली की है, तो उसकी फैमिली के साथ क्या हो वो जानना चाहता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव्स आते हैं,
दादाजी जो मेरे अनुपम जी प्ले कर रहे हैं मेरे, उनका एक नैरेटिव है क्योंकि वो विक्टिम है, और पल्लवी जी जो राधिका मेनन का मेरे प्रोफेसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनका एक नैरेटिव है। तो वो सब मैं रियल जो हुआ जो घटा वो सब जानने की कोशिश कर रहा था एज एन एक्टर, और उसके लिए मैं पब्लिक डोमेन में जो जो वीडियोस थे अवेलेबल थे दोनों ही पक्षों के वो मैंने देखे, ताकि मैं वो असमंजस में रहने वाला कैरेक्टर प्ले कर सकूं, और उन पर वर्क करता रहा, बार बार देखता रहा, जिस जिस सीन के लिए मैं प्रिपेयर करता था या करने वाला होता था तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं देख कर सीन के अंदर घुस जाता था, और क्लाइमेक्स में मैंने सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे क्योंकि मैं जर्नी जी चुका था, और एक एक लाइन पर काम किया, और जो लगा कि कृष्णा पंडित जो सच्चाई बताना चाहता लोगों के सामने वो रख दी। और क्योंकि कहा कि आपने इस जर्नी को जिया, तो जब आप एक इतनी इंटेंस कितनी इमोशनल जर्नी जीते हैं उससे बाहर आना भी उतना ही टफ होता है, सो आपके लिए भी वो टफ था? ये फिल्म मेरे लिए इमोशनली मेंटली फिजिकली हर तरीके से टफ रही क्योंकि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। 1990 में वो जो इतना दुखद घटना घटी जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे, वो मुझे लोगों को और लोगों तक पहुंचाना था। तो मैं जैसे मैं बताया वीडियोस देख रहा था, लोग तो सिर्फ 3 घंटे की फिल्म देखकर इतना इमोशनल हो रहे हैं, 3 मिनट का वीडियो या ट्रेलर देखकर इतना वो इमोशनल हो गए, तो मैं तो वो हर रोज़ जी रहा था, और कितनी नाइट्स थी कि मैं सो नहीं पाता था क्योंकि मैं वो वीडियोस देखकर वो सारे सपने मुझे आते थे, तो मैं डर के उठ जाता था और फिर नींद ही नहीं आती थी, और दिन में भी जब हम शूट कर रहे होते थे तो मैं कैरेक्टर में रहने की कोशिश करता था, तो मुझे याद है कितनी बार मुझे मेरे बॉडी में झटके लगते थे और मैं इरिटेट रहने लगा था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता था, मुझे लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा घुस गया हूँ कैरेक्टर में, लेकिन मैं उस कैरेक्टर से बाहर निकलना भी नहीं चाहता था क्योंकि मुझे वो पेन लोगों तक बयान करना था, लोगों को दिखाना था, क्योंकि जब तक आप एज एन एक्टर किसी पेन को फील नहीं करते हैं तब तक आप कैमरे के सामने इमोट नहीं कर पाते हैं, तो वो पेन बहुत हैवी हो गया, और फिल्म ख़त्म होने के बाद मुझे लगता था मुझे सांस नहीं आ रहा कई बार, तो मुझे कहीं लगने लगा कि मैं शायद डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो फिर मैंने दोस्तों की हेल्प ली और फिर कुछ गुड कंटेंट देखा और मेडिटेशन का सहारा लिया उससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन आप ज़रा सोचिए, मैं तो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था फिर भी मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गया, वहाँ से निकल आया, लेकिन वो लोग जो आज तक 32 साल से कितने वीडियोज़ मैंने देखा कि वो अंधेरे में सो नहीं पाते, वो लोग अकेले घर में रह नहीं पाते, रात को अभी भी अचानक उठ जाते हैं, तो उन पे क्या बीती होगी आप लोग समझ सकते हैं। तो हाँ ये है कि बस मैं उनकी आवाज़ को लोगों के सामने ला पाया तो मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है। और दर्शन जी, जैसा भी आपकी बातों से हमने जो सीखा कि इस फिल्म को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, रिसर्च पार्ट से ही नहीं, बी एड डायरेक्टर हो आप एक्टर्स के भी पार्ट पे, लेकिन जब फिल्म इतनी अच्छी हो लेकिन फिर भी कई सेक्शन है सोसाइटी के जो इसमें अपने पॉलिटिकल एजेंडाज ढूंढ रहे हैं, मतलब विदाउट इवन नोइंग, सिर्फ एक 3 मिनट का ट्रेलर देख के या विवेक जी के ट्वीट्स देख के केस करने उतर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी फिल्म ना किसी धर्म जाति ना ही किसी पार्टी के खिलाफ है, हमारी फिल्म खिलाफ है तो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के। हम हमेशा ह्यूमैनिटी की और जस्टिस की बातें करते हैं, हमारी फिल्म दर्शाती है कि हमारे बीच से अगर ह्यूमैनिटी चली जाए तो क्या होता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप एक बार फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि हमारी फिल्म टेररिज्म के खिलाफ है, और आप जब फिल्म देखेंगे तो आप भी हमारी मुहिम में जुड़ जाएंगे क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं, हमें हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कभी भी किसी भी कम्युनिटी के साथ या किसी भी इंसान के साथ ऐसी घटना घटे, और यहाँ तो हम 5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप फिल्म देखेंगे तो आप भी उनके दुख में शामिल होंगे, और उनके जब दुख में आप शामिल होते हैं तो दुख कम होता है। सो आप प्लीज़ एक बार फिल्म को देखिए,
आपके सामने सर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और एंड दर्शन, इवन आपके करियर ग्राफ को लेके देखा जाए, आपने रियल लाइफ स्टोरीज में का हिस्सा ज़्यादा रहे, मैरी कॉम हो, सरब जी, तो उसमें भी आपका कैरेक्टर काफ़ी इंटेंस था, और अब द कश्मीर फाइल्स, तो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज करना, या बोलते एक टाइप कास्टेड फील कर रहे हैं आप? नहीं, टाइप कास्टेड तो नहीं, अगर आप देखें तो सारे ही कैरेक्टर लगते हैं। मैरी कॉम में मैं एक सपोर्टिव हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और आप देखें तो मैंने रियलिस्टिक फिल्म की थी एक बहुत ही एनिस्टेन, जिसमें मैं नेगेटिव था, और सरबजीत जहाँ मैंने एक इंसानियत का एक नया रूप लोगों के सामने रखा, मैंने पाकिस्तानी लॉयर प्ले किया था जो अपनी फैमिली और खुद की जान दांव पर लगाकर एक इनोसेंट इंडियन को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और उनको पाकिस्तान छोड़ना भी पड़ा, स्कॉटलैंड में शिफ्ट होना पड़ा बाद में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक कंटेंट ओरिएंटेड रियलिस्टिक सिनेमा करूँ, क्योंकि उसी की डिमांड है, उसी की, वो मुझे दिल को भी छूती है। जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा एज अ ऑडियंस पढ़ता हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे दिल को छू रही है तो ये पक्का ऑडियंस के दिल को भी छूएगी। मेरा कैरेक्टर अगर जस्टिफाई कर रहा है फिल्म को तो ये ऑडियंस भी वही फील करेगी। तो बस मेरी कोशिश वही रहती है और वही मैं कोशिश करता भी रहूँगा। और यही कोशिश अगर आप जारी भी रख रहे हैं तो आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखने वाले हैं? एज एन एक्टर तो हर इंसान चाहता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोल करे, और वही मेरा सपना है। मैं चाहता हूँ कुछ कॉमेडी करूँ, क्योंकि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है, और मैंने बहुत सारे थिएटर में प्लेस किए हैं जो मेरी टाइमिंग को बहुत सराहना भी मिली है, तो वैसा कुछ। और मैं पिछले 10-15 साल से एक्शन करता आ रहा हूँ, मार्शल आर्ट में ट्रेंड हूँ, तो चाहता हूँ कुछ एक्शन फिल्में करूँ। और पर मेरा मेन मकसद वही रहेगा कि वो कंटेंट ओरिएंटेड हो, रियलिस्टिक सिनेमा हो, ताकि अगर मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ तो वो सिचुएशनल हो, जो लोग रिलेट कर पाए। तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि मेहनत करता रहूँ, और जो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर सौंपी है उस पर खरा उतरूँ। थैंक यू सो मच दर्शन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.